हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस जोन। सबसे पहले तो माय मिस जोन की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। तो हैप्पी होली में तो ठंडाई जो होती है वो ड्रिंक सबसे ज़्यादा चलती है। तो आज मैं आपको दो तरह की ठंडाई बनाना बताऊंगी, एक पान ठंडाई और रोज ठंडाई। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठंडाई बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम सौंफ, थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से चर्न कर लिया है, अब इसे हम छान लेते हैं। हम इसलिए इसको छानते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना वो ऐसे एक पीना पसंद नहीं करते, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा और आराम से पी सकते हैं। ये देखिए हमारा पाउडर नीचे आ चुका है, लेकिन जो ये मोटा अभी भी मिक्सचर पड़ा है इसे दोबारा से चर्न करके हम इसका पाउडर बना लेते हैं। अब हमने ये सारा मिक्सचर जो है वो छान लिया है, हमारा पाउडर भी अच्छे से बन चुका है। मैंने इसमें भी चीनी नहीं डाली है क्योंकि इसे हम अब स्टोर करके रख सकते हैं 6 महीने तक फ्रिज में, तो ये ख़राब नहीं हुआ। जब भी आपका दिल करे पाउडर निकालिए और इंस्टेंट ठंडाई बनाइए और पीजिए। अब मैं इसी पाउडर से आपको दो तरह से ठंडाई बनाना बताती हूँ। पहले हम बनाएंगे पान ठंडाई, फिर हम बनाएंगे रोज़ ठंडाई। पान की ठंडाई बनाने के लिए मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं, इसकी डंडियों को काट दीजिए और पत्तों को तोड़कर बीच में डाल देते हैं। अब इसमें 2 चम्मच हम ये पाउडर डालते हैं जो मिक्सचर हमने बनाया था। अब हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देते हैं और ठंडाई को अच्छा कलर देने के लिए, क्योंकि पान की ठंडाई है तो कलर तो ग्रीन आना ही चाहिए, तो हमने ब्रह्मी सिरप लिया है, उसे मैं अंदाजे डालती हूँ। वैसे मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, बहुत है, 1 चम्मच डाल दें। अब हम इसमें वनीला आइसक्रीम डाल देते हैं। वनीला आइसक्रीम का अपना ही जो मिठास बहुत होती है, इसलिए मैं 1 चम्मच ही शुगर लूँगी। पाउडर डाल दिया है मैंने, अब इसे हम अच्छे से चर्न कर लेंगे दोबारा। अब हमारी ये पान ठंडाई तैयार है, इसे मैं ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। रोज ठंडाई बनाने के लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच पाउडर डाल देती हूँ जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था। दो चम्मच गुलकंद के डाल देते हैं। ये मैंने रोज सिरप दिया है कलर देने के लिए इसको, ये भी 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए। गुलकंद और रोज सिरप की अपनी ही मिठास बहुत होती है, इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं चीनी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्सी में मिक्स कर लूंगी। ये हमारी रोज ठंडाई बनके तैयार है। मैंने इन दोनों ठंडाई बनाने के लिए मैंने चिल्ड दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास दूध नॉर्मल हो तो आप इसमें आइस क्यूब्स डाल दें। अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ गिलास में। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं दोनों सिरप में वनीला आइसक्रीम डाल देती हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा, और बच्चों को तो बड़ी अच्छी लगती है आइसक्रीम वैसे भी। अब हम इसे बादाम से गार्निश कर देते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, पिस्ता जो भी आपको पसंद हो, या काजू। मेरे पास बादाम अवेलेबल है, मैंने वही डाल दिए। और भाई ये तो रोज़ सिरप पे है तो रोज़ की फीलिंग तो आनी ही चाहिए। रोज़ पेटल्स लगा देती हैं इसके ऊपर, इससे गार्निश करती। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
तो ये हमारी इंस्टेंट ठंडाई बन के तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी हर एक वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगी। तो सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।